नमस्ते गुरु जी। ओम बेटा, तो कब हुआ था बेटा? 2018 में। 2018 में हुआ था, 5 साल हो गए। और कितने साल के थे तब? तब मैं तो 10 उसका साल था। तो उस समय 6 साल का था, 11 का तो अब है, 10-11 का था। तो इसको अब 12 कंप्लीट हो गया है, तो इसको 2018 में हो गया था। और अब आई थी तब कितना था इंसुलिन? आए थे तो इधर 8 और 6 लग रहा था। 8 और 6 लग रहा था। और इंसुलिन कितने दिन हो गए बंद हुए? 3 दिन। 3 दिन से बंद है? 4 या 3 दिन हो। 3-4 दिन से बंद है। हाँ। अब इसको चालू नहीं होने देना है, योग छोड़ना नहीं है, और पूरा नॉन डायबिटिक हो जाओगे। हो तो गए हो, लेकिन इसको कंटिन्यू करना बेटा। मंडूकासन, योग मुद्रासन, मंडूकासन, पद्मासन में योग मुद्रासन जो है। स्वामी जी जी, इनको गिरने से, ये छत से गिरने से इनको हुआ है। पहले हमारे घर में किसी को भी नहीं है, ये छत से गिरे हैं। उसके 1 महीने के बाद हमको पता चला कि इनको शुगर है, और पहले बार जब दिखाया गया तो पता चला कि इनको 500 शुगर है। तो छत से गिरने से शुगर नहीं होता, छत से गिरे उस समय इसका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो गया होगा। हाँ, 1 हफ्ते के लिए इनको ट्रामा सेंटर में इनका इलाज किए हैं। गिरने से ना एकदम से स्ट्रेस लेवल मतलब हाई, मतलब अल्टीमेट हो जाता है बहुत ज्यादा, और उसका असर फिर सीधा पेन की। हाँ। या तो बहुत स्ट्रेस से शुगर होता है, या फिर एंटीबायोटिक्स और ये सब। हाँ, 1 हफ्ता दवा चलाई है इनकी वहाँ पे ट्रामा सेंटर में। वो एंटीबायोटिक दिए ना वहाँ? हाँ, ग्लिसरीन बहुत पिला के हैं, 3 बॉटल पिलाए हैं। तो ये जो गिरने के बाद एक तो स्ट्रेस लेवल हाई हुआ, उसके बाद इसको एंटीबायोटिक्स और कुछ सारी दवाइयाँ दी। उसके 1 महीने बाद हमको पता चलता है कि इनको 500 शुगर है। 500 शुगर है। अब कुछ नहीं रहेगा, अब निश्चिंत हो जाओ, ठीक है? 4 दिन से इंजेक्शन भी बंद है और दवा भी बंद हो गई 2-3 दिन से। चलो पूरी, अब इसको कंटिन्यू करना खान पान, इसको है लापरवाही नहीं होनी चाहिए। नहीं। चलो, योग मुद्रा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु। थैंक यू।